रतनगढ़ की राजनीतिक सरगर्मियां पूरे चरम पर हैं। एक और जहां भाजपा प्रत्याशी अविनेश मैर्ची इसी मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा के बागी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रीणवा हजारों लोगों के साथ जनसंपर्क पर निकले हैं और चुनावी सरगर्मियां पूरे चरम पर नजर आ रही है। दोनों लोगों के साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। राजकुमार रीणवा घंटाघर के पास समय दुकानों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हॉट सीट है जहाँ पर राजकुमार रीणवा पुसाराम गोदारा मोहनलाल पुजारी और राजकुमार रीणवा चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए लोगों का उत्साह और जुनून, लोकतंत्र के पर्व की रौनक रतनगढ़ से आप देख रहे हैं। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रीणवा की ये रैली आप देख रहे हैं। राजकुमार रीणवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं रतनगढ़ में। रतनगढ़ की चुनावी सरगर्मियां पूरे चरम पर नजर आ रही है। इस समय भाजपा के बागी प्रत्याशी, बागी उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रीणवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं रतनगढ़ से। उनका उत्साह देखिए, देखते ही बन रहा है। रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, राजकुमार रीणवा को आप देख रहे हैं किस कदर लोगों का प्यार मिल रहा है। रतनगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रीणवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं। घंटाघर पर लोग चढ़े हुए आप देख रहे हैं, घंटाघर से झंडे लहराए जा रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व की ये रौनक आप रतनगढ़ से देख रहे हैं जहाँ पर एक और अविनेश मैर्ची जनसंपर्क करें तो दूसरी ओर राजकुमार रीणवा। राजकुमार रीणवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं रतनगढ़ से। आप देख रहे हैं महिलाएं भी पीछे नहीं है, आप देख सकते हैं। भव्य नजर आप देख रहे हैं रतनगढ़ से। रतनगढ़ कस्बे का नजर आप देख रहे हैं। रतनगढ़ का नजर आप देख रहे हैं। राजकुमार रीणवा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। उत्साह देखिए आप, जिन्होंने पगड़ियां बांध रखी है और राजकुमार रीणवा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। रतनगढ़ के दरअसली घंटाघर के पास का नजर आप देख रहे हैं और देखिए लोगों का जोश और जुनून। लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव के कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में रतनगढ़ की रौनक पूरे चरम पे है जहाँ की सीट को हॉट सीट कहा जा रहा है। चार चार दिग्गज चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियों के दो बागी लड़ रहे हैं। देखना है क्या होता है, ये 11 तारीख को नतीजे बताएंगे। फिलहाल मतदान में केवल और केवल 40 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। नृत्य हो रहा है यहाँ पर,
राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट जिसको कहा जा रहा है, रतनगढ़ विधानसभा का दर्जा आपको दिखा रहे हैं। चार चार दिग्गज यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, एक और अभिनेश मैर्थी भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों के दो बागी हैं, जिसमें पूर्व देवस्थान भक्त राजकुमार रीणवा जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उषाराम गोदारा कांग्रेस के बागी वो भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज घंटाघर के पास में राजकुमार रीणवा की जो रैली निकल रही है वो रैली निश्चित रूप से बहुत बड़ी रैली कही जा रही है। एक एक दुकान पर जाकर राजकुमार रीणवा वोटों के लिए निवेदन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लोग नारे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, जयकारे कर रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, भाजपा के लोग और राजकुमार रीणवा के लोग आमने सामने आ गए हैं। सामने आप देख रहे हैं अभिनेश महर्षि की रैली है और इधर राजकुमार रीणवा की रैली है, दोनों एक दूसरे के सामने है घंटाघर के पास। भाजपा के अभिनेश महर्षि भी मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं और इधर राजकुमार रीणवा के लोग भी जनसंपर्क कर रहे हैं और दोनों आमने सामने आ चुके हैं और बीच में पुलिस भी पहुंच चुकी है। रतनगढ़ के दस्तली गांधी चौक का दृश्य आप देख, घंटाघर के पास का नजर आप देख रहे हैं। दोनों में जोरदार टक्कर है और यहां पर दोनों ही दलों के लोग आमने सामने हैं। राजकुमार रीणवा के समर्थक और अभिनेश महर्षि के समर्थक एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। दोनों के झंडे आप एक साथ देख रहे हैं। ये जोरदार नजर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भाजपा और राजकुमार रीणवा की टीमों के दोनों के झंडे एक साथ। ये देखिए नजारा, रतनगढ़ का सबसे खतरनाक दृश्य आप देख रहे हैं जब अभिनेश महर्षि और राजकुमार रीणवा दोनों के समर्थक एक दूसरे के सामने पहुंच गए हैं। भाजपा का झंडा भी आप देख रहे हैं, रीणवा का झंडा भी आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ। रीणवा के लोग गणेश मंदिर सब्जी मंडी की तरफ जा रहे हैं तो अभिनेश महर्षि के लोग वापिस आ रहे हैं। जोश और जुनून का नजर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों झंडे एक साथ। अभिनेश महर्षि और रीणवा जी के दोनों के झंडे एक साथ आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों के समर्थक एक साथ घंटाघर के पास पहुंचे हैं। हालांकि रीणवा जी बीजेपी के थे लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था, अब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं बागी के रूप में और मार्केट में दोनों दलों के लोग के एक साथ पहुंचे हैं, राजकुमार रीणवा और अभिनेश महर्षि के। राजकुमार रीणवा की रैली घंटाघर के पास पहुंची है जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है और अब गढ़ की तरफ जा रहे हैं अभिनेश महर्षि के समर्थक और अभिनेश महर्षि मार्केट में जनसंपर्क के लिए निकले हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं और पास ही में रीणवा जी के समर्थक आप देख रहे हैं।
लोकतंत्र के पर्व पर झूमते लोगों को आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से युवतियाँ झूम रही हैं। रतनगढ़ का नजर आप देख रहे हैं, राजकुमार रेणुवा दुकानों में दुकानदारों से व्यापारियों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बहुत बड़ी रैली आप देख रहे हैं। इस गाड़ी में आप देख रहे हैं लड़कियों ने साफे बांध रखे हैं और राजकुमार रेणुवा के जयकारे लगाए जा रहे हैं। एक और अपने स्मृति भी साथ में निकले, राजकुमार रेणुवा साथ निकले हैं। और मार्केट में इस समय पूरी गर्मी नजर आ रही है, लोग इस नज़ारे को बहुत ही रोमांचित होकर देख रहे हैं क्योंकि राजकुमार रेणुवा और अपने स्मृति के समर्थक आमने सामने हो चुके हैं और अब राजकुमार रेणुवा के लोग गणेश जी मंदिर सब्जी मंडी की तरफ बढ़ रहे हैं। राजकुमार रेणुवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं, राजकुमार रेणुवा का जनसंपर्क आप देख रहे हैं। समर्थन में उमड़ी भारी भीड़ आप देख रहे हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नजर आप देख रहे हैं, राजकुमार रेणुवा जनसंपर्क के लिए निकले हैं। भारी भीड़ आप देख रहे हैं, घंटाघर से सब्जी मंडी रोड का नजर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट जिसको कहा जा रहा है रतनगढ़, जहां से चार दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के भंवरलाल पुजारी, भाजपा के अविनेश महर्षि, कांग्रेस के बागी कुसाराम गोदारा, भाजपा के बागी पूर्व देवस्थान मुक्ति राजकुमार रेणुवा। और राजकुमार रेणुवा की ये रैली आप देख रहे हैं, मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं। गणेश मंदिर सब्जी मंडी से निकल रहे हैं रेणुवा का। सब्जी मंडी के पास रेणुवा दुकानों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हाजिम शकरवार पीर बाबा की दरगाह पे आप देख रहे हैं, राजकुमार रेणुवा यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं जनसंपर्क के दौरान। रतनगढ़ मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं, जगह जगह मालाएं पहनाकर सोड़ा कर सम्मान किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ जिला चुरू का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रेणुवा जनसंपर्क रहे हैं बाजार में। Yeah.
मार्केट में जनसंपर्क आप दिख रहे हैं राजकुमार हिंडवा का। लोकतंत्र के पर्व पर सब अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, सब अपना अपना योगदान कर रहे हैं। एक ओर जहां नेता लोगों से वोट के लिए निवेदन करें कि हमें वोट दें, दूसरों प्रशासन सबसे निवेदन कर रहा है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और प्रशासन का पूरा सहयोग समाजसेवी कर रहे हैं। रतनगढ़ के सुप्रसिद्ध युवा समाजसेवी पवनजी तोसावड़ हमारे साथ है, जिन्होंने मार्केट में दर्जनों बोर्ड लगाए हैं, लोगों से निवेदन किया है कि आप मतदान का प्रयोग जरूर करें। ऐसे जागरूक युवा से मैं बातचीत करना चाहूँगा। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि प्रशासन का आप हमेशा सहयोग करते रहें। चुनाव में मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे बोर्ड मार्केट पर लगे हैं, क्या निवेदन करेंगे लोगों से? बस निवेदन यही रहेगा कि अपन सबको मिलकर वोट जरूर देना है। ऐसा कहीं भी भूलना हो कि अपना वोट छूट जाए, दें अपनी मर्जी से, दें अपनी इच्छा से, सोच समझ करके दें, अच्छे भाव व्यक्तियों को दें, मगर दें जरूर। ऐसा ना हो कि वोट अपना छूट जाए, किसी भी पार्टी को दें, बहुत ही कंपलसरी है वोट देना, ये देते रहें और देना जरूरी भी है। पवन जी सही कह रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, इसलिए पवन जी कह रहे हैं कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए। हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हमारे मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और इसके लिए पवन जी और क्या कहेंगे? वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, हर वोट के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो सभी को जल्दी से जल्दी 7 तारीख को और वोटिंग करनी है। अपनी मर्जी से दे, किसी प्रकार का इसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात कही है कि मताधिकार दबाव में या पैसे के लिए नहीं करें। इनका कहने का मतलब ये है, अपनी स्वेच्छा से मतदान स्वैच्छिक होता है, आपका मन करे, आत्मा बोले किस व्यक्ति को देना चाहिए उसको मतदान करना है, लेकिन मतदान जरूर करें। और सही कह रहे हैं, एक व्यक्ति पर भारत सरकार का 77 रुपया राजस्थान में खर्च हो रहा है, इसलिए वोट की कीमत भी है और वोट की वैल्यू भी है, इसलिए आप मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। रतनगढ़ का नजर आप देख रहे हैं, रतनगढ़ के निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार हिंडवा मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है। लोकतंत्र के पर्व में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और प्रत्येक प्रत्याशी पूरी ताकत झोंक रहा है।
ऐसे सुलग्र में शिवपाल तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। अब देखते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। अभिनेश मैर्ची और राजकुमार की दोनों की रैलियाँ घंटा घर के पास हैं। देखिए रेवणा जी के समर्थकों ने टी शर्टें भी उनके चित्र की पहन रखी हैं। जगह जगह स्वागत हो रहा है राजकुमार का, दुकानदार मालाएं पहना कर मुंह मीठा करवा के स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं मुंह मीठा करवाया जा रहा, जिंदाबाद। देखिए फल भेंट किया जा रहे हैं, लोगों का प्रेम देखिए। रतनगढ़ के प्रसिद्ध घाटा बालाजी, महेंद्रपुर बालाजी का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। रतनगढ़ में चुनाव हो रहे हैं और खूब उत्सव मनाया जा रहा है लोकतंत्र का, और इसी बीच में हम आपको बाबा के दिव्य दरबार के दर्शन करवा रहे हैं। महेंद्रपुर बालाजी मंदिर के सामने दर्शन कर रहे हैं। क्या देने प्रसाद दिया जा रहा है। जुलूस वापस घंटा घर के पास पहुंच रहा है राजकुमार रेणुका का। रतनगढ़ मार्केट का दृश्य आप देख रहे हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है। अशोक स्तंभ के पास देख रहे हैं भारी पुलिस बल तैनात है। मार्केट में जनसंपर्क करने के बाद ये जुलूस अशोक स्तंभ के पास पहुंच रहा है, पुलिया के पास पहुंच रहा है जुलूस। राजकुमार रेणुका की जनसंपर्क रैली ताल वाले बालाजी मंदिर पहुंच चुकी हैं। विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर निर्दल प्रत्याशी राजकुमार रेणुका मार्केट में जनसंपर्क कर रहे हैं। पूरे मार्केट में घूमकर वो बस स्टैंड पर ताल वाले बालाजी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। राजकुमार रेणुका कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख रहे हैं लोगों ने घेर रखा है उनको। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रतनगढ़ की सीट को हॉट सीट कहा जा रहा है, जहां पर चार दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। एक और जहां राजस्थान के देवस्थान बाग मंत्री, राजस्थान के बहुत बड़े नेता के रूप में जिनकी पहचान है राजकुमार रेणुका, दूसरी ओर अगर बात करें तो भवनलाल पुजारी जो कि जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, पुसाराम गोदारा जो कि प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता रहे हैं, और अभिनेश महर्जी, ये चार उम्मीदवार हैं। आज दो उम्मीदवारों की रैली मार्केट में निकली, जो मार्केट में जनसंपर्क कर रहे थे, और उसमें आपने देखा घंटाघर के पास दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए थे। लेकिन ये लोकतंत्र के पर्व की सुंदरता है कि यहाँ के लोग कितने शालीन हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे के पास से निकल गए। लेकिन राजकुमार रेणुका की जो आज की रैली है
उसने चुनावी समीकरण को क्लियर कर दिया, ऐसा लग रहा है जिस तरह का लोगों का मत है, क्योंकि हजारों लोग शामिल थे और आखिर तक जब कार्यालय तक रैली पहुंची एक एक व्यक्ति साथ नजर आ रहा था। आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि चुनाव में मतदान परसों है, माइक शांत हो चुके हैं, चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, अब अगर नेताओं को कुछ कहना है तो जबानी रूप से ही कहना होगा, और हम जबानी बातचीत करते हैं श्री राजकुमार जी रिणवा से। बहुत बहुत स्वागत है, आज का जो मार्केट का समर्थन मिला है उसकी खुशी आपके चेहरे पर बता रही है, क्या कहेंगे आज के इस सुंदर अभियान के बाद? मैंने तो कल्पना ही नहीं थी कि इतनी बढ़िया, मुझे तो कल ये लोग जोर दे रहे थे कार्यकर्ता कि आपको रोड शो करना चाहिए, मेरे को हो गया परसों रात को, व्यापारियों का सारा प्रोग्राम हो गया था, मगर माने नहीं किया है, तब मैं तो ये सोचा भी ठीक चलो कर लेते हैं, दुकानों से राम राम ही कर लेते हैं, और जो आज का ये देखा नज़ारा मैं तो देखता रह गया कर गया, मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से इतने लोग आए, कितना प्रेम लोगों का, कितना भाव लोगों का, कितना उत्साह, कितना जुनून, ये अपने अपने अलग एक विचित्र बात है। अब ये तो जुनून प्रेम लोगों का तो ये बढ़िया ही बता रहा कर रहे हैं, आगे तो अभी दो दिन है, जब तक बटन नहीं दब जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज तक आदमी कह रहे हैं कि अब आगे तो भगवान के हाथ में। रिणवा जी, एक बहुत अहम सवाल मैं करना चाहूँगा, पूरे क्षेत्र में खासतौर से जिले में ये कहा जा रहा है कि राजकुमार रिणवा और अभिनेश महर्षि के समर्थक आक्रोशित है, और आज जब घंटाघर के पास में दोनों आमने सामने हुए तो पुलिस वाले भी बहुत चके रह गए थे, लेकिन जो शालीनता आपके कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के लोगों ने दिखाई उसको, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी रैली के बाद में रात को उन्होंने फाइनल की शाम का जी, तो हमें पता लगा कि एक ही टाइम रख दिया, तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि अगर कोई भी झगड़ा फसाद करे तो रैली निकालूंगा नहीं, अगर कोई मुंह से भी गड़बड़ बोल दिया कर दिया ना तो मैं बख्शूंगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना, मैं रैली वहीं ख़त्म कर दूंगा, आपको अगर लोगों से जनसंपर्क करना है और रैली निकालनी है एकदम शांति से। हमारी इतनी गजब रैली थी, पर बार बार उनकी रैली रुक कर कर जो कर रही थी, लेट कर रही थी, उसके चलते परेशानी तो बहुत हो रही थी, बाकी रैली हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, पर वो बार बार रुकने करने से डिस्टर्ब हो रही थी। हमने ये चेष्टा की बार बार, एक हमें कुछ ही इलाका छोड़ना पड़ा उनके चलते कि आमने सामने ही, पर वो एक जगह थोड़ा सा किनारा है वो थोड़ा सा आया किया, तो उसमें भी खूब प्रेम से दोनों अपने झंडे लहरा रहे थे, बाकी कहीं कोई एक शब्द भी नहीं है, खूब प्रेम से सारा हो गया। चूँकि परसों चुनाव हैं, अगर नतीजे आपके पक्ष में आए, आप जीते, तो दिल किधर रहेगा, क्योंकि किसी एक पार्टी को आपको चुनना है? मैं तो जिधर जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ रहूँगा, मुझे आखिरी चुनाव में तो ये चेष्टा करूँगा कि भाई सबका भला, मेरे क्षेत्र का विकास हो जो भी हो, क्योंकि अगर मेरी ज़रूरत से सरकार बनती है कोई सी भी तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है, मैं तो निर्दलीय, निर्दलीय किसी को समर्थन देगा, और अगर दोनों में बहुत अंतर है सरकारों में तो मैं निर्दलीय चला लूँगा, मेरे क्षेत्र का काम तो बाकी रहने नहीं दूंगा मैं, ये निश्चित बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, उसी बात पर आज कायम है, कह रहे हैं कि मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, अपने क्षेत्र से मतलब है, पार्टी चाहे कोई भी सी हो, रतनगढ़ का विकास होना चाहिए, मैं उस पार्टी के साथ हूँ, अगर पार्टी नहीं निकली तो मैं निर्दलीय काम चला सकता हूँ। बहुत बड़ी आज यहाँ पर जनसंपर्क रैली रही, जो यहाँ से रवाना हुई पूरे मार्केट में चारों घंटा करके चारों रोड से होते हुए जगह जगह लोगों ने मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई, खूब स्वागत किया, और जो प्रेम और भाईचारा रिणवा ने पिछले 15 सालों में लोगों के बीच में बनाया उसका एक सुंदर दृश्य आज पुनः रतनगढ़ में देखने को मिला। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि 7 तारीख को मतदान जरूर करें, किसी भी को करें, अपने प्रिय उम्मीदवार करें, अच्छे व्यक्ति को चुनें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।